पुलिस ने वहां पर रोक उनको रोका ना होता तो आज वहां पर लाशें बिछी होती। तो ये है इनकी तैयारी और किस तरह से ये इनको मौका मिलते ही और वो कोशिश हुई थी कि ये 22 साल पुराना जो नरसंहार था वो हिंदुस्तान आज फिर देखता, लेकिन वो बच गया। तो इसके लिए धन्यवाद चंद्रबाबू नायडू, धन्यवाद पवन कल्याण को और उनकी पुलिस को। देखिए कि वहां पर मस्जिद है पास में, अरे मस्जिद पास में है तो क्या जुलूस नहीं निकलेगा? या ये तो कोई जुलूस भी नहीं निकाल रहे थे, ये भगवान अयप्पा स्वामी के भक्त हैं, वो उसका वो शिकार बना था, लेकिन हिंदुस्तान ने किस तरह से उस खलनायक को देश का नायक बना दिया और उसकी बीवी को देवता बना दिया। जकिया जाफरी को जो लगातार इस तिस्ता शीतलवारों के एजेंडे का शिकार रही। सर साबरमती एक रिपोर्ट की हम लोग बात कर रहे थे, आपने भी फिल्म देखी, हमने भी देखी। साबरमती फिल्म की रिपोर्ट देखने के बाद लगा कि सचमुच इस देश में किस तरह से अन्याय हुआ कि साबरमती ट्रेन में जो 59 लोग जिंदा जलाए गए, इतना विभत्स था। ना उसकी बात हुई, ना उनके परिजनों की बात हुई, और ना ही उसमें घायल बचे लोगों की। उससे हमने सीखा क्या? आप कह रहे कि साबरमती एक्सप्रेस कांड को फिर से दोहराने की साजिश की गई। हाँ मनीष जी, पहले जरा ट्वीट दिखा दीजिए, उसके बाद दर्शक समझेंगे कितना विभत्स कांड। हिंदुस्तान दोबारा उनका साक्षी बनता कि किस तरह से 50 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता सड़क के ऊपर और जिहादियों की भीड़ के द्वारा। यहाँ तो कम से कम मौके पर पुलिस पहुंच गई है। अभी बताता हूँ मनीष जी, जी मैं जरा ट्वीट पढ़ दूं, उसके बाद दर्शक समझ जाएंगे कि है क्या, फिर हम लोग उसको समझाते हैं। मैं पढ़े दे रहा हूँ कि वाइल कंडक्टिंग द अयप्पा स्वामी विलेज फेस्टिवल इन रायाचोटी टाउन आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा कि वाइल कंडक्टिंग द अयप्पा स्वामी विलेज फेस्टिवल इन रायाचोटी टाउन आंध्र प्रदेश, ए ह्यूज मॉब ऑफ इस्लामिस्ट ब्लॉक द अयोध्या अयप्पा डिवोटीज एट ए मेजर इंटरसेक्शन विच वॉज पार्ट ऑफ ए प्लांड प्रोसेशन citing there is a mosque nearby. The intervention of the police did not quell the disturbance caused by Islamists. The Hindu community, which is under frequent attacks and violence by radicals who claim it's predominantly Islamist town, is eagerly waiting for Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan to take stringent action against these machineries. Why the media is ignoring this news? Hindus are under attack in Hindu majority country, but media is not even reporting this news. अब जरा मनीष जी समझिए, मैंने कहा आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश की घटना है। सामने आपका ट्विटर है कि चारों तरफ से जिहादी मुसलमानों ने उसको घेर लिया है, लेकिन क्योंकि वहां पर पुलिस बहुत चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद थी तो इनके इरादे सफल नहीं हो पाए। और वहां पर पुलिस मुस्तैद क्यों थी कि एक तो चंद्रबाबू नायडू वहां पर मुख्यमंत्री और पवन कल्याण वो उप मुख्यमंत्री, जो पवन कल्याण पूरे देश में आज की तारीख में लोकप्रिय हो रहे हैं, तो उनकी पुलिस ने एक तरह से अपनी जान पर खेलकर इनको रोका। रहता भीड़ आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में वो जो मुसलमान थे उन्होंने उस बस को घेर लिया था और वो निश्चित तौर पर एक भी आदमी उसमें जिंदा नहीं बचता। अगर पुलिस वहां पर एक्टिव ना होती, पुलिस ने वहां पर उनको रोका ना होता तो आज वहां पर लाशें बिछी होती। तो ये है इनकी तैयारी और किस तरह से ये इनको मौका मिलते ही और वो जहाँ रायाचोटी जहाँ की बात हो रही है वो पूरी इस्लामिक बस्ती है, इस्लामिक गांव है पूरा वो, और वहां पर उन्होंने घेरा था। तो आज एक तरह से हिंदुस्तान में साबरमती जो 27 फरवरी 2002 को हिंदुस्तान में
हिला देने वाली घटना हुई थी, और उसमें किस तरह के मीडिया ने नंगा नाच किया था, किस तरह से सच को दबाकर झूठ की आरती लेके घूमे थे पूरे देश में, वही कुकर्म आज भी मीडिया कर रही है। इस घटना की रिपोर्टिंग कहीं नहीं हो रही है, सोशल मीडिया का दौर है कि हम लोगों को, हमको, आपको, सब लोगों को पता चल रहा है। मैं तो कहूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसी के साथ कि साबरमती 2 करने की इनकी पूरी तैयारी थी, और किस मौके पर, जब अभी साबरमती एक्सप्रेस रिपोर्ट आई है और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी, अन्य जो मुख्यमंत्री हैं, उन सब ने देखा है, सराहा है और कहा है कि हाँ इसमें सच बोला गया है, तो उसके बाद इन जिहादियों को कैसे आग लगी है कि ये दूसरा साबरमती करने की इनकी पूरी तैयारी थी। तो ये एक बड़ी घटना थी जो टल गई, लेकिन हम लोगों को, क्योंकि यहाँ की इस देश का न्यूज चैनल ये कितने घाती हैं, सच के सच घाती हैं ये, कि सच का गला कैसे घोटते हैं, कि ये उसके बारे में कोई जिक्र नहीं आ रहा किसी न्यूज चैनल में, कि आज ऐसा भी कोई कोशिश हुई थी कि ये 22 साल पुराना जो नरसंहार था वो हिंदुस्तान आज फिर देखता, लेकिन वो बच गया। तो इसके लिए धन्यवाद चंद्रबाबू नायडू, धन्यवाद पवन कल्याण को और उनकी पुलिस को। आपने देखा होगा पुलिस के जवान अपनी जान पर खेलकर रोक रहे हैं, किस तरह से वहां पर रुके हैं, अन्यथा अगर ये कहीं वो पुरानी वाली सरकार होती है, किसी कांग्रेसी सरकार होती, तो निश्चित तौर पर आज वहां दर्जनों लाशें बिछा देते। ये किस तरह, और इनकी पहचान करने की कोई बहुत विशेष आपको जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी भीड़, उनकी ड्रेस देख के आपकी समझ में आ गया होगा कि कौन लोग थे और उनके इरादे क्या थे। और केवल की, और जरा बहाना देखिए मुनीष जी, कि वहां पर मस्जिद है पास में, तो अरे मस्जिद पास में तो क्या जुलूस नहीं निकलेगा, या ये तो कोई जुलूस भी नहीं निकाल रहे थे, ये भगवान अयप्पा स्वामी के भक्त हैं और उनके दर्शन के लिए कोई आयोजन था, ये लोग वहां पर जा रहे थे। और वो हमारे यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी या बिहार में, कि भगवान अयप्पा पूरे दक्षिण के बड़े प्रसिद्ध एक तरह से भगवान है, बड़े लोगों के जन जन तक बसे हुए हैं, और भगवान विष्णु का पुत्र उनको माना जाता है। तो उस तरह के उस भगवान के भक्तों को किस तरह मौत के घाट उतारने की तैयारी इन जिहादियों ने कर ली थी, ये सामने आपको दिखाया हम लोगों ने। बिल्कुल, और हमने इसे साबरमती 2 इसीलिए कहा क्योंकि जैसे साबरमती 1 को मीडिया ने छुपाया, खा गई उस रिपोर्ट को, वैसे ही इस खबर पर भी मुझे लगता है कि कहीं ये कोई खबर नहीं है, नेशनल मीडिया से ये खबर, इतनी बड़ी खबर गायब है। सोचिए कैसे गोधरा में जब दंगा हुआ, अहमदाबाद में, बड़ोदरा में, उसे उस पर खूब नाची मीडिया, घर घर गई, एक एक उन्मादी जिहादी, जैसे पत्थरबाजों को अब नायक बनाया जा रहा है ना अभी उत्तर संभल में, वैसे उनको नायक बनाया गया जिसने दंगे किए। वो एहसान जाफरी जिसने भीड़ पे गोली चलाई, बाद में मारा गया, उसे नायक बनाया गया, दंगा कराने वाले गुजरात में नायक हो गए, और निर्दोष लोग जो भगवान प्रभु राम की आराधना करके लौट करके आ रहे थे, उनको जिंदा जला दिया गया। उसके घर टीवी के कैमरे नहीं पहुंचे, गुजरात अखबार के रिपोर्टर्स नहीं पहुंचे। ठीक उसी ढंग से, इसीलिए हमने इसे साबरमती 2, मतलब इतिहास से भी आप सीख नहीं लेते। मनीष जी, क्योंकि आपने नाम ले लिया तो मैं जरा उसका जिक्र कर दूं, एहसान जाफरी का, क्योंकि वो उदाहरण हो जाएगा कि गुजरात के उस दंगे के बारे में किस तरह से हिंदुस्तान का मीडिया हमको, आपको, सबको गुमराह करता रहा। कि अब बताता हूँ, वो जो एहसान जाफरी जहाँ पर रहता था, जिस फ्लैट में, उसके पीछे पूरी जो थी वो मलिन बस्ती थी, दलित बस्ती थी, और वो 10 के 12 जो ब्याज के धंधा करने वाले हैं समझ जाएंगे कि 10 के 12 वो कर्जा बांटा करता था, कि यानी 10 रुपए देता था तो उसका ब्याज वो 2 रुपए लेता था, तो 12 रुपए वापस लेता था। 10 के 12 ब्याज मतलब वो बड़ा पाप समझा जाता है, और अगर आप वैसे चले जाए तो किस तरह से 24 रुपए एक तरह से 100 रुपए में ब्याज लेता था, और वो सारे दलित गरीब लोग थे वो उससे लेते थे, बाद में वो एक तरह से उसका शिकार हो जाते थे, और वो भरे बैठे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। कांग्रेस का सांसद रहा था, बंदूक असलाह सब अपने घर पे रखता था। उस दिन जिस दिन वो मारा गया है मनीष जी, उस दिन उसके घर के नीचे बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा था, कोई उसके लिए नहीं हो रहा था, वो प्रदर्शन हो रहा था, और वो साबरमती एक्सप्रेस के जो जलाए गए थे उसी संदर्भ में वो था। वो आदमी अपनी बालकनी पर अपनी लाइसेंसी राइफल लेकर आया, और उसने उस भीड़ पर तड़ातड़ गोलियां चलानी शुरू की, उसमें एक आदमी की मौत हो गई बिना प्रोवोकेशन, उसको कौन मार सकता था, वो तो ऊपर बैठा बालकनी में बैठा था, और जब नीचे मौत हो गई तो फिर भीड़ जो थी वो बेकाबू होकर ऊपर चढ़ी, और वहां पे जो पुलिस वाले थे वो अपनी जान बचाने को भागे, और फिर उसके बाद भीड़ के हत्ते चढ़ा, तो उसके साथ जो होना था वो हुआ। लेकिन आपको जब भी एहसान जाफरी की कहानी सुनाई जाती है,
तो ये सुनाई जाती है कि वो मार दिया गया उसको, लेकिन उसके बारे में ये नहीं बताया जाता कि पहले उसने एक हत्या की थी, भीड़ में गोली चलाई थी, और उसको मारने वाले जो मुख्यता बनी थी, जो मूल्य थे उसमें वो भीड़ भी नहीं थी, वो जो एक तरह से जिनको वो 10 के 12 पैसे देता था, जो उसके कर्जे के नीचे दबे हुए थे, वो भी उस भीड़ में शामिल थे, तो उनको एक मौका हाथ लगा कि आज इसको निपटा दे तो हमको इसके कर्जे से मुक्ति मिल जाए। वो उसका वो शिकार बना था, लेकिन हिंदुस्तान ने किस तरह से उस खलनायक को देश का नायक बना दिया, उसकी बीवी को देवता बना दिया जकिया जाफरी को, जो लगातार इस तिस्ता शीतलवारों के एजेंडे का शिकार रही और लगातार अपने बयान बदलती रही। याद रखिए वो उस कांग्रेसी सांसद था, वो ये याद रखिए है, विधायक था ना शायद, नहीं सांसद था, सांसद था। चलिए ये एकदम से ये चीज समझिए कि किस तरह से हमें गलत ढंग से फरेब से उस समय की मीडिया, इसीलिए साबरमती रिपोर्ट जो है वो पत्रकारों के खिलाफ क्यों है, और हम लोग तो अक्सर इन खैरातियों पर इसीलिए कहते हैं कि हम अपने पेशे के अंदर गंदगी की बात अक्सर करते हैं। मैं मनीष जी जिस दिन देख के आया था, हालांकि प्रधानमंत्री ने बड़ी तारीफ की, योगी ने तारीफ की है, तो उस पिक्चर में जो दिखाया गया वो सच दिखाया गया, लेकिन मैंने कहा था पूरा सच नहीं दिखाया गया है, कि जैसे एहसान जाफरी का कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दीजिए, मैं पत्रकारों का ही कमीनापन बताता हूँ आपको, और वो मैंने कई, मैं तो गुजरात में था नहीं, मैंने प्रधानमंत्री मोदी के ही मुंह से सुना, और उसके बाद फिर उसकी देखा तो पुष्टि हुई उसकी, कि उन्होंने कहा कि जब दंगा होने लगा गुजरात में, तो सूरत के जो सबसे बड़ा जो हीरा बाजार था, हीरा मार्केट, जहां पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए की संपत्ति उन दुकानों में बंद थी, क्योंकि दंगे की वजह से दुकानें सब बंद थी, वहां पर खड़े होकर बरखादत्त रिपोर्ट कर रही थी कि ये पूरा बाजार सुनसान पड़ा है, यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर एक भी पुलिस वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी का सवाल ये था कि क्या ये बैठकर वहां से वहां लाइव टेलीकास्ट करके क्या ये दंगाइयों को एक तरह से निमंत्रण दे रही थी क्या, कि आओ यहाँ पर एक भी पुलिस वाला नहीं है। कहीं मैंने फोन करके कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, कोई भी पुलिस पूरे चप्पे चप्पे पे नहीं लग सकती, तो तुम इस तरह से लोगों को निमंत्रण दे रहे हो, लोगों को आमंत्रित कर रहे हो, वो भी दंगाइयों को, तो ये इस तरह का रोल उस समय मीडिया निभा रही थी। तो वो बातें साबरमती एक्सप्रेस में नहीं आई है, लेकिन जितना आया वो सच है, ये बस इसलिए उसको देखा जा सकता है। नहीं, जैसे विवाद में मैंने देखा कि बहुत कुछ बचाने की कोशिश की है, एक उस फ्रेम में कुछ सेकंड का फ्रेम है जिसमें सोनिया गांधी और अहमद पटेल है, उसमें नाम नहीं बताया गया, लेकिन वो महिला का प्रोनाउंसिएशन उसके बगल में जो कह रहा है कि हमें इस पे इसको हमें इस्तेमाल करना है, इस दंगे को हमें इस्तेमाल करना है, उस समय तो ना कांग्रेस केंद्र में सरकार में थी ना गुजरात में थी, तो इस्तेमाल ऐसे ही किया अपने खलियारों के माध्यम से। और बता दूं कि एक प्रधानमंत्री मोदी का एक और इंटरव्यू है जो उसी समय का, कि उन्होंने बताया कि ये राजदीप सरदेसाई कहे, इसने वहां पे खबर चलाना शुरू की कि यहाँ मंदिर पे हमला करके मंदिर को तोड़ दिया गया, जाहिर सी बात है मंदिर पे हमला कौन करेगा, मंदिर पे हमला मुसलमान करेंगे, तो कहे मैंने तत्काल उस जिले के SP को फोन करके कहा कि वहां पर पुलिस भेजो, और जब वहां पे पुलिस पहुंची तो वहां पे कोई मंदिर था ही नहीं, वो उन्होंने बताया कि जैसे पेड़ के नीचे कुछ लोग अपनी मूर्ति वगैरह रख देते हैं, तो उस तरह की मूर्तियां रखी थी कुछ लोग आके वहां पे मारपीट करने की, लेकिन इसने इस तरह से बनाना शुरू किया कि वो जो है मंदिर पर हमला हो गया, जैसे कोई बड़ा मंदिर तोड़ दिया गया, तो ये इस तरह से दंगा भड़काने में जुटे थे, दंगाइयों को लूटने लायक स्थान का पता बताने में जुटे थे, ये था मीडिया का वहां काला कर्म, एक तरह से काला चेहरा उसका, और आज भी वो चेहरा बंद नहीं हुआ है। अभी आपको जो भगवान अयप्पा वाली हम लोगों ने खबर बताई कि उनके भक्तों को इन जिहादियों ने घेर कर उनकी हत्या करने की पूरी तैयारी कर ली थी, जो पुलिस की वजह से बच गई, लेकिन वो भी खबर हिंदुस्तान की मीडिया से, विशेषकर हिंदुस्तान के न्यूज चैनलों से गधे के सिर से सींग की तरह गायब है। आखिर क्यों?